हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर को, और डेसिमल से किसी अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जो ये टॉपिक है ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारा मेन फोकस है यूजीसी नेट 2020 तक अपने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है, जो हमारा ये नीचे लिखा था, कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये 2 लिखा है ये क्या है, इस नंबर का बेस है। बेस 2 मीन्स बाइनरी, हमारा ये नंबर किस में है, बाइनरी। तो इस नंबर को हमें पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अब ये बीच में क्या है हमारे पास, पॉइंट या डेसिमल बोलते हैं इसको। तो पॉइंट से जो इधर वाले नंबर हैं उनको हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर चलेगी 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, और जो डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे -1, -2, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 × 2⁻³ प्लस 1 × 2⁻², प्लस 0 × 2⁻¹ प्लस 1 × 2⁻⁰ प्लस, अब ये यहाँ पे है 1 × 2⁻²⁻ प्लस 0 × 2⁻²। ठीक है, अब ये हमारी सिंपली इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2³⁸ प्लस 2² प्लस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो 0 हो जाएगा, और 2⁻⁰, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 1 × 1 प्लस, इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे 2⁻⁻ है, पावर जब हमारी माइनस में होती है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में 1/2⁻⁰, नीचे आके पावर प्लस में हो जाएगी, प्लस 0, अब 0 × 2⁻²⁻² है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा इसका। अब 8 + 4 + 1 मीन्स 13 प्लस 1/2, अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.50, तो इन दोनों को अगर हम करते हैं प्लस तो हमारा क्या आया, 13.50 डेसिमल। बेस 10 मीन्स डेसिमल। तो आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन होता हमारे पास 13.50 डेसिमल में, इसको हमें कन्वर्ट करना होता बाइनरी में, उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, किसी भी टाइप से आ सकता है, किसी एक बेस से डेसिमल में या फिर डेसिमल से किसी दूसरे बेस में। तो जब हमारे पास अगर नंबर है डेसिमल में और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं। अब जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पर हमें क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये सिंपली डिवीज़न, ये सक्सेसिव डिवीज़न है, यानी कि जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता जाता तब तक हम 1/1 डिवाइड करते जाएंगे। 2 × 6 = 13, 1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को हम इधर लिखेंगे, देन अगेन 2, 2 × 3 = 6, 0, देन 2, 2 × 1 = 2, 1 रिमाइंडर बचा। अब जो हमारी ये डिजिट है ये हमारी होती है LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो यहाँ पे आती है वो हमारी होती है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम जब स्टडी करते हैं कि हमारा नंबर क्या मिला, हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या बाइनरी फॉर्म में मिला, तो इस नंबर को हम स्टडी करते हैं इस टाइप से, नीचे से ऊपर की तरफ, इस बिट से लेके और ऊपर की तरफ। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1101, उसके बाद हमारा क्या है, डेसिमल। अब डेसिमल आ गया, अब डेसिमल 0.50, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ये तो यहाँ पे डेसिमल में है लेकिन इसको हमें क्या, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
20251। अब जो डेसिमल से इधर वाला नंबर है इसको हमें पिक करना है और अपने डेसिमल के बाद यहाँ पे पुट कर देना है। देन अगेन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 00 आएगा, इधर भी 0 ही आएगा, तो इसको हम दोबारा से इसको पिक करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2-3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया बाइनरी फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन से हमने दोनों ट्रिक्स यूज़ कर ली हैं कि किसी एक बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड देन अगर डेसिमल में क्वेश्चन आता है तो उससे हम किसी अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.4, ये हमारा क्या है, बेस 8 में है। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, फिर अगर आप चाहोगे तो हम इसको डेसिमल से दोबारा ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस क्या है, 8 है, बेस 8 को हम क्या स्टडी करते हैं, ऑक्टल। तो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, प्लस में, और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा उसको माइनस की पावर में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 8⁻¹ प्लस 4 × 8⁻¹⁦ प्लस 4 × 8⁻¹⁻¹। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 / 8⁻¹⁰। पावर नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, और 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, 1, 1 × 4 = 4 प्लस 8 × 5 = 40 प्लस, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ से भी हमारा आया 0.5, 44.5, ये हमारा नंबर आ गया डेसिमल में, ऑक्टल टू डेसिमल। अगर आप इसको भी दोबारा से रिकन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल टू ऑक्टल तो आप सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन के लिए भी एक बार अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे होगा। 44.5 हमारा नंबर है डेसिमल में, उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, यानी कि क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 8 से और राइट पार्ट को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 44 को डिवाइड किया 8 से, 4 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे दोनों रिमाइंडर, अब दोबारा से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमारा नंबर इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ MSB और ये हमारी LSB। तो 54 लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आया। अब 0.5 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 × 5 = 40 डेसिमल, डेसिमल से इधर की साइड क्या नंबर है, 4, इसको आप दोबारा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स तक लेके जाना चाहते हैं तो भी हमारा 0 आएगा, 54.4 या 54.40। सेम हमारा ऑक्टल में दोबारा से कन्वर्ट हो गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने किया है ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। पहले क्वेश्चन में बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। थर्ड क्वेश्चन लिया है हमने हेक्साडेसिमल से। तो हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है। टू ए पॉइंट फोर, यानी कि लेफ्ट हैंड पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 16⁻¹⁰, 16⁻¹⁰ और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 16⁻¹⁰ से। तो 2 × 16⁻¹⁰ प्लस 8 × 16⁻¹⁰ प्लस 4 × 16⁻¹⁰ तो 16 × 2 = 32 प्लस ए को कल हमने डिस्कस किया था, ए को, ए सिंबल जो है वो हमारे किस डिजिट के लिए था, 10 के लिए, ए बी सी डी ई एफ 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमारे हेक्साडेसिमल से ज़ीरो, हेक्साडेसिमल में 0 to 15 तक नंबर्स होते हैं। 9 तक हम एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं, उसके बाद हम सिंबल्स को में डिफाइन करते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो 10 × 16⁻¹⁰ ये हो जाएगा 1, तो 32 प्लस 10 प्लस 4/16 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2
42.25, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 42.25, ये हमारा आंसर आ गया डेसिमल में, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अगर आप इसको दोबारा से रिकन्वर्ट करना चाहते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे होगा, तो सेम प्रोसेस है, आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज हमने सीखा किसी एक बेस से, किसी भी अनदर एनी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल से किसी अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई भी एक बेस दिया है उससे किसी अनदर बेस में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि कोई भी एक एक्स बेस दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना है वाई बेस में, तो उसके लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उस बेस को हम पहले कन्वर्ट करते हैं बेस 10 यानी कि डेसिमल में, देन उस डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बेस वाई में, तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।